भौतिकवादी जिंदगी के दूसरी तरफ होती है आध्यात्मिक जिंदगी, और उस आध्यात्म को पाने के लिए हम लोग जाते हैं मंदिर और मठ। मंदिर तो आप लोगों को पता ही होगा कि ये देवी देवताओं के लिए बने होते हैं जहाँ पे हम पूजा करते हैं, और दूसरी तरफ होते हैं मठ। तो फैक्ट्री ड्राइव विकास के आज का वीडियो आप शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आखिर ये मठ क्या होते हैं। मठ का अर्थ ऐसे संस्थानों से है जहाँ इसके गुरु अपने शिष्यों को शिक्षा, उपदेश इत्यादि प्रदान करते हैं। ये गुरु प्रायः धर्म गुरु होते हैं। ऐसे दी गई शिक्षा मुख्यतः आध्यात्मिक होती है, और इसमें इस शिक्षा के अतिरिक्त सामाजिक सेवा, साहित्य इत्यादि पर भी कार्य होते हैं। मठ एक ऐसा शब्द है जिसके बहुधार्मिक अर्थ हैं। बौद्ध धर्मों में इन्हें विहार कहते हैं, ईसाई धर्म में इन्हें मॉनेट्री कहते हैं। मठ के मुख्यतः तीन उद्देश्य होते हैं। पहला इसका उद्देश्य होता है वो आध्यात्मिक है। इसके द्वारा प्रस्तुत आध्यात्मिक ज्ञान को परिभाषित करना है, उसको बनाए रखना है और इसका प्रचार करना है। इस कार्य के लिए आध्यात्मिक ज्ञान के प्रचारकों के शिक्षण तथा नियुक्ति के लिए संस्थागत साधनों की संरचना करता है। दूसरा उद्देश्य है कि यह दार्शनिक मूल्यों को मनुष्यों में उजागर करने का प्रयास करता है, जिसका मुख्य उद्देश्य परिवार, राजनीति और समाज में व्यक्तित्व चरित्र का पुनः स्थापन है। और तीसरा जो उद्देश्य है वो है परोपकारी सामाजिक कार्यों का संगठन। इसमें दवाखानों तथा चिकित्सालयों, शैक्षणिक संस्थाओं व संस्कृत पाठशालाओं का संचालन सम्मिलित होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको मठ का मतलब समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आए तो जरूर से आज के इस वीडियो को जरूर आप लाइक कर दीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे कई सारे लोग हमारा वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं। आप यहाँ पर इस फिगर को भी देख सकते हैं। और अंत में कहना चाहते हैं ये है कि अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना चाहते हो तो नीचे लिंक आपको मिल जाएगा। तो अब मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।